बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त खान भाई और आज एक और न्यू अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फाइल्स वगैरह को या फिर अपने फोल्डर्स को या फिर किसी भी ऐसी exe फाइल या फिर अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह आप ऑनलाइन कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आपको अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप जो है उसे इस्तेमाल कर सकें। ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीके की मदद से आप जो है ऑनलाइन अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन अपने जो ईमेल एड्रेस है जीमेल का, उसमें आप जो है फाइल्स वगैरह स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि महफूज कर सकते हैं विदाउट एनी यूएसबी या फिर ऐसी कोई सीडी वगैरह जिसमें हम फाइल्स वगैरह को बर्न करते हैं। तो इस तरीके की मदद से आप जो है ऑनलाइन यानी कि अपनी फाइल्स को फोल्डर्स को जो भी चीज़ आपके पास कंप्यूटर में मौजूद है आप उसे स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि अपने पास महफूज रख सकते हैं। कहीं भी अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिंपली जो है अपने जीमेल एड्रेस की मदद से जीमेल अकाउंट की मदद से आप जो है उसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है खान भाई के नाम से। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस से आप आगाह रह सकें। ऑनलाइन जो है हमें फाइल्स को जो महफूज करने के लिए हमें एक जीमेल की अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब के ओपन करता हूँ और इसमें जो है हमें यूआरएल में हमें लिखना है एड्रेस बार में, इसमें हमें जो लिखना है drive.google.com 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 की मदद से हम जो है इजीली इसमें अपनी फाइल्स वगैरह जो है इसमें हम महफूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है हमें एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल अकाउंट की, जिसकी मदद से हम जो है इसमें फाइल्स वगैरह वो सब महफूज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी जो है गूगल का अकाउंट मौजूद है तो मैं सिंपली इसमें साइन इन करता हूँ। अगर आप जो न्यू यूज़र होंगे तो उसके पास जो है साइन अप का जो ऑप्शन आएगा, आप साइन अप पे क्लिक करके आप जो है इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद ये सिंपली जो मुझे जो है इसे उसके ड्राइव का जो होम पेज होगा उसमें जो है मुझे लेके जाएगा। जी, आप जो है गूगल ड्राइव का जो है आप इंटरफेस देख रहे हैं, इसका जो टाइमलाइन यानी कि होम पेज आप देख रहे हैं, इसमें मैंने जो है कुछ फोल्डर्स और कुछ फाइल्स वगैरह इसमें जो है मैंने लगाई हुई है। इसके अलावा आप जो है इसमें ऑनलाइन जो है 15 GB यानी कि 15 GB इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 GB की आपको इसमें जो है फैसिलिटीज़ मिलती है, जो आप इसमें जो है अपनी फाइल्स को महफूज कर सकते हैं। 15 GB की आपको पास स्टोरेज है, यानी कि एक अच्छे लेवल की हमें कैपेसिटी मिलती है जिसमें हम अपनी फाइल्स वगैरह मौजूद कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सर्च ड्राइव, अगर आपके पास बहुत सारे इसमें फाइल्स मौजूद हैं तो आप इसमें सर्च करना चाहते हैं कि यार मैंने ये फाइल इसमें रखी हुई है लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही, तो सिंपली आप जो है इसमें उस चीज़ का नाम इंटर करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मेट है, PDF की है या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है या फिर प्रेजेंटेशन है, फोटोज़ एंड इमेज वीडियोज़ वगैरह, तो वो सारी की सारी आप जो है इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये न्यू है, यानी कि अगर आप कोई न्यू फाइल वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, फोल्डर वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है फोल्डर को जिसमें अंदर रख सकते हैं, पूरा फोल्डर का फोल्डर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो है हम अपने फोल्डर को कोई नेम वगैरह देंगे कि यानी कि हम अपने फोल्डर वगैरह बनाएं, तो सिंपली मैं इसमें कोई टाइटल देता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ये फोल्डर जो है मेरे पास बन जाएगा। ये आप देखें, ये सारे के सारे मेरे पास जो है वो फोल्डर बने हुए हैं। तो इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा, ये फोल्डर मेरे पास ओपन हो गया। अब इसमें अगर मैं कोई फ़ाइल वगैरह देना चाहूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ाइल अपलोड,
यानी कि अगर कोई फाइल अब मैं अपलोड करना चाहता हूँ, इमेज की हो, वीडियो हो, या फिर exe या मोबाइल की हो, apk फाइल हो, वो सारी की सारी जो है इसमें मैं फ़ाइल अपलोड कर सकता हूँ। ये देखें, इसमें जो है फाइल वगैरह जो भी हो वो मैं इसमें अपलोड कर सकता हूँ। ये सारी की सारी फाइल इसमें सपोर्टेड है, वीडियो वगैरह वो सारी की सारी। उसके अलावा इसमें आप देखें फोल्डर अपलोड, यानी कि पूरा पूरा फोल्डर अगर आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप फोल्डर अपलोड पे क्लिक करें, और फोल्डर अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ब्राउज फॉर फोल्डर है, सिलेक्टेड फोल्डर, यानी कि आप कौन सा फोल्डर इसमें अपलोड करना चाहते हैं वो आप इसमें पाथ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फोल्डर में जाएंगे, ये मेरे पास फोल्डर मौजूद हैं, अगर मैं इसमें कोई फोल्डर वगैरह को अपलोड करना चाहूँ तो सिंपली मैं उस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करूँगा तो ये जो है अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास गूगल डॉक्स की फ़ाइल है, या फिर गूगल शीट्स हैं, या गूगल स्लाइड्स हैं, उसके अलावा और यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म्स, गूगल ड्राइविंग्स, गूगल माय मैप्स, गूगल साइट, फेसबुक, सोशल शेयर फाइल्स वगैरह, वो सारी की सारी आप इसमें जो है फाइल्स वगैरह आप इसमें महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये माय ड्राइव में आप जो अपलोड किए हुए फाइल होंगे वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके अलावा रिसेंट, यानी कि आपने जो फाइल अपलोड की हुई होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखें कुछ फाइल्स वगैरह मैंने इसमें अपलोड की हुई हैं तो वो सारी की सारी जो रिसेंट मुझे बता रही है। उसके बाद ये गूगल फ़ोटोज़ हैं, गूगल फ़ोटोज़ जो हैं मैंने अभी नहीं लगाए हुए हैं। गूगल फ़ोटोज़ को अपलोड करने के लिए उसका अलग एक यानी कि एड्रेस है जिसकी मदद से हम इसमें रख सकते हैं। उसके बाद कुछ पोस्टेज ऐसे होती हैं जिसको हम स्टार्ट दे देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद मेन यानी कि डिलीटेड फाइल्स जो भी होंगी वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो है डेटा यूजेज देख सकते हैं। अभी जो ड्राइव में मेरे पास 115 मेगाबाइट मौजूद है, इसके अलावा जीमेल में मेरे पास 31 मेगाबाइट है, गूगल फोटोज़ मेरे पास एक भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपग्रेड स्टोरेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसमें जाएंगे। उसके अलावा आप जो है यहाँ से प्लान को चूज़ करेंगे, यानी कि प्लान आप क्या करना चाहते हैं। अगर 100 GB आपको ज़रूरत है, 100 GB 100 GB, तो इसके लिए आपको जो है पाकिस्तान के हिसाब से 209 रुपये हर मंथ आपको देने पड़ेंगे, हर मंथ, ठीक है। अगर इसके बाद आप 1 TB यानी कि आप लेना चाहते हैं स्टोरेज, तो इसके लिए आपको 1049 रुपये आपको जो है गूगल वालों को देने होंगे। उसके बाद ही आप जो है इसमें मज़ीद जो है स्टोरेज इसमें आप महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, लिस्ट व्यू है माई ड्राइव की, यानी कि अभी जो मेरे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है तो यहाँ से आप लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं, गाइड व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल वगैरह है। उसके बाद आप यहाँ से अपने ड्राइव की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट है, सेटिंग्स है, हेल्प वगैरह है, गूगल एप्स वगैरह हैं, और यहाँ पर आपके पास जो नोटिफिकेशन वगैरह शो होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है अपनी फाइल्स को या फिर फोल्डर को आप अपने गूगल ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव की मदद से आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप जो है इंटरनेट की मदद से आप यह हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप अपने जेब में कोई मेमोरी कार्ड वगैरह, या फिर आप कोई USB की या ब्लैंक CD वगैरह की किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो सिंपली आप जो है माई ड्राइव की मदद से आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को आप जो है हासिल कर सकते हैं। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस से आप आगाह रह सकें। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।